का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इतनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है कि बहुत से जन्मों में सत्कर्म करने के बाद हम लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त जो होता है मनुष्य जीवन का सार क्या है, उद्देश्य क्या है। हम ना अपना जीवन शैली जो है वो अपने ढंग से स्टार्ट कर देते हैं। कमल अत्री जी, वेरी वेलकम हेयर एंड थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ना, हमारे जीवन का जो ध्येय है, वो एकमात्र केवल ये जिंदगी जीना ही नहीं है, बल्कि इस जिंदगी को एक अर्थपूर्ण तरीके से जीना है। मनुष्य जीवन जो है बहुत से अच्छे कर्मों का फल मिलता है आपको जब आपको मनुष्य जीवन मिलता है, और उस मनुष्य जीवन को अगर हम सार्थक बनाकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, परमार्थ की ओर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन, मनुष्य जीवन के जीवन जीने के उद्देश्य को सफल कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। दो तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, एक स्वार्थ से भरकर, एक परमार्थ से भरकर। अब स्वार्थ सिद्धि में तो कोई भी मनुष्य जो है वो लिप्त हो सकता है, बट हमारे जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो परमात्मा ने हमें ये इतना अच्छा जीवन जिया जीने के लिए दिया है, इसका जो लक्ष्य है वो है परमार्थ के रास्ते पर चलना। परमार्थ दूसरों को सुख देने में आनंद अनुभव करना, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर असल इंसान तो वही है, असल मनुष्य जीवन तो वही है जो दूसरों के लिए जीकर दिखाए। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तो हम बहुत दौड़ धूप करते हैं, ये कर लो वो कर लो, लगे रहते हैं, मेहनत कर लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब करते हैं, बट दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड परमार्थ। उसे हम परमार्थ कहेंगे, वो परमार्थ कहलाता है। आज हम ऐसे ही बैठे बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे, और ड्यूरिंग दैट डिस्कशन कुछ होता है ना कि कुछ बड़े लोग अगर ज्ञान की बातें दें तो हमें उन चीजों को इनहेरिट कर लेना चाहिए, है ना, अपने अंदर उन चीजों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी चीजें कौन नहीं जानना चाहता, और मेरी भी हैबिट है कि मैं अच्छी चीजों को बहुत जल्दी जो है जानने की कोशिश करती हूँ, और उन चीजों को इनहेरिट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में उनको मैं एप्लीकेबल कर सकूँ अपने आने वाले टाइम में, एक्सपीरियंस में। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब बातें चल रही थी मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या केवल धरती पर जन्म लेना, बड़े होना, जॉब लगना, घर बनाना, शादी करना, अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ाना, क्या यही जीवन है, क्या यही जीवन का लक्ष्य है। कार्तिक शर्मा जी नमस्कार जी, अनिल सर वेलकम हियर। तो आप एक बताइए, मैं अच्छी हूँ कार्तिक शर्मा जी, तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य केवल यही है जो हम इस धरती पर जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन की यही इम्पोर्टेंस है। हमने खाया पिया सोया, सुबह उठकर फिर काम पर चले गए। पवन कंबोज जी नमस्कार जी, सर यू आर वेलकम हियर। तो बताइए आप लोग अपने कमेंट जरूर करें इस चीज पर। धर्मवीर चैर जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो लेट्स टू ज्वाइन फ्यू ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो, टिल देन वी टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य परमार्थ के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान ने ना हमें जो ये जिंदगी दी है,
मैं ठीक हूँ पवन कंबोज जी, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। भगवान ने जो हमें ये जिंदगी बख्शी है ना, ये जिंदगी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि परमार्थ के रास्ते पर चलकर किसी का सहयोग करें, किसी को सपोर्ट करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ अच्छा जीने की कोशिश करें। गुड इवनिंग निकी जी, गुड इवनिंग। तो हमें कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन चीजों से, और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है ना, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आएगा। जिंदगी अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, थोड़ा सा आनंद ले दूसरों के लिए जिंदगी जीने का। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने जो दिनचर्या है या उसके लाइफ का जो रूटीन है चलता रहता है, और लास्ट में जब बुढ़ापा आता है, एक स्टेज आती है हमारी जिसमें कई बार तो हम हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को। हम लोग कभी उसमें ऐसे भी हेल्पलेस फील करते हैं कि हमें दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। थैंक यू पवन कंबोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या उस लाइफ के फेज में जितनी मुश्किलें आती हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो चारपाई पर बैठकर, बेड पर बैठकर सोचता है कि मैं क्या करने आया था इस धरती पर, कौन सा जीवन जीने आया था, क्या मैं ये धन दौलत इकट्ठी करने आया था यहाँ पर, या मैं कुछ अच्छे कर्म करने आया था। उस टाइम पे रियलाइज होता है उन लोगों को, जो लोग थ्रू आउट द जिंदगी चलते रहते हैं, एक दौड़ में लगे रहते हैं, और उस समय वो कुछ नहीं सोच पाते, केवल उनमें होड़ लगी रहती है हमें आगे बढ़ना है, हमें इससे आगे जाना, हमें उससे आगे जाना। अरे भाई, जिंदगी हमारी है, किस लिए होड़ लगा रखी है? परमात्मा ने आपको अकेले उतारा था जमीन पर, धरती पर अकेले उतारा था, और जब हम ऊपर परमात्मा के पास वापस जाएंगे ना, तो भी हम अकेले जाएंगे। हमारा कोई भी रिलेशन कितना भी प्यारा है, हमारे साथ नहीं जाएगा, ये हम सबको पता है। जब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, सपोज किसी की, हमारे किसी नियर डियर की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे सबके घर में सुख शांति रहे, तो हमें उस टाइम रियलाइज होता है कि यार लाइफ तो है ना, कुछ नहीं है, दिस इज द ट्रांजिटरी थिंग, कुछ नहीं है, क्षण भंगुर है, छोटी सी है, हम वैसे ही लगे हुए हैं। बट वो रियलाइजेशन ना हमें ना कुछ ही दिन रहता है, जब तक वो शोक सभाएं चलती हैं, जब तक वो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, तब तक ही हमें रियलाइज होता है कि यार लाइफ कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट स्पैन है लाइफ का, हमें अच्छे काम करने चाहिए। बट जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ना, हम भूल जाते हैं चीजों, हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी उस लेवल में थे जिस लेवल में लोगों को नीड होती है, जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, परमार्थ हमें करना चाहिए वहां, हम भूल जाते हैं चीजों, नहीं चाहिए। अब कोई अगर बोले कि मुझे सन्यास लेना है जिंदगी से, देखो कुछ हमारी ना फिलोसफी सबकी अलग अलग होती है। सपोज करो मैं बोल रही हूं मुझे अपनी लाइफ से सन्यास लेना है, क्या ये पॉसिबल है? जिंदगी में जब हम उस परमार्थ के रास्ते पर बढ़ेंगे ना, तो हमें इन स्वार्थों को, अपने रिलेशंस को साइड में रख देना पड़ेगा, और परमार्थ के रास्ते पर हम अकेले केवल अपनी आत्मा के बल पर पहुंचेंगे, उस सर्वशक्तिमान ने, उस भगवान ने हमें धरती पर उतारा है अच्छे काम करने के लिए, नेक नीति से चलने के लिए, और उसका नाम लेने के लिए जिसको हम सब भूले बैठे हैं। दुख में तो भगवान को सभी याद कर लेते हैं, सुख में कोई नहीं याद करता। अरे उसे दोनों टाइम बोलो तो, जो दे रहे हो आप भी दे रहे हो, हमारे बस का कहाँ है। तो जिंदगी में अगर हमें सन्यास लेना है, हम सन्यास लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, हमें सन्यास लेना है, पर क्या जिंदगी में जो आपके काम थे, जो आपके कर्तव्य थे, वो आपने पूरे कर लिए हैं क्या? बिना उन कर्तव्यों को पूरा किए आप सन्यास लेने चल पड़े? आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो?
पहले अपनी लाइफ जो भगवान ने दी है ना, पहले उस लाइफ को जियो, अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति फुल डेडिकेशन से अपनी लाइफ को जियो, और अपने बच्चों के प्रति पूरा समर्पित रहो, अपनी फैमिली के प्रति पूरा समर्पित रहो, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो मॉरल ड्यूटीज हैं, आप उन सबको पूरा करो। आप अगर उस संन्यास के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर जाना भी चाहते हैं ना, तो पहले अपनी फैमिली को उस लेवल तक लेके जाए जिस लेवल से आगे वो जो है सचिन जी नमस्कार जी, जिस लेवल से आगे उनको अपने रास्ते चुनने में जो है मुसीबतें ना आए और किसी दूसरे के मुंह की तरफ ना देखना पड़े। वो फैमिली जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिलीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम किसी दूसरे के सहारे उसे नहीं चल सकते। और परमार्थ का रास्ता वो है जो अंत समय में हमें जो है अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाएगा जिस लिए हमें, हमने जो है जन्म लिया है, जिस लिए परमात्मा ने हमें यहाँ जमीन पर भेजा है, धरती पर भेजा है, हम वहां चले जाएंगे रास्ते। बट उसके लिए आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको उस परमार्थ के रास्ते पर बढ़ते हुए किसी का डर नहीं होना चाहिए, आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। और जब एक बार बढ़ गए ना उधर, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई आपको पीछे खींचने वाला ना हो, आप किसी के हाथों की कठपुतली ना हो उस टाइम पे, कि आप किसी लोभ लालच में वापस मुड़कर देखें, नहीं मेरा पीछे ये छूट गया है, हमारा पीछे कुछ नहीं छूटता, कुछ नहीं है हमारा, सब कुछ परमात्मा का है, उसी का है और उसी का रहेगा। ये जो रिश्ते नाते या जो बेटा बेटी जो बंधन बना रखे माँ बाप सब, ये बंधन अगर ना हो तो फिर तो आगे सृष्टि ही नहीं चलेगी। ये बंधन भी जरूरी है, पर इन बंधनों में बंधे रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करके, अपनी मॉरल ड्यूटीज को पूरा करके जो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है और उस परमात्मा को हमेशा याद करता है और उसकी ओर जाने के रास्ते खोजता है स्वार्थ से परे होकर, वो इंसान जिंदगी में शायद अपने उस मार्ग को अपना लेता है जिसके लिए वो इस धरती पर आया था, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। तो संन्यास लेना या साल्वेशन के मार्ग पर चलना ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो मुझे नहीं कहना चाहिए बट मैं कहूंगी, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है ना तो उससे इरिटेशन होती, चिड़ मचती है, क्या तुम ऐसे करते रहते हो, मतलब दे यूज टू, कि उनको पता है कि वो है, वो सिर्फ शक्तिमान है, वो सब उसने ही हमारी सृष्टि को चला रखा है, ठीक है, उनको पता है। बट वाई टू मोक अदर्स, दूसरों की मोकिंग क्यों कर रहे हो, दूसरों का मजाक क्यों बना रहे हो, जिसका जितना विश्वास है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, उसको चलने दो उसके तरीके से। एक समय आएगा आपको भी रियलाइज होगा कि हम इस धरती पर केवल ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए थे, जो लाइफ है ना उसका ध्येय अलग ही है, परोपकारी बनो, परमार्थ के रास्ते पर चलो। और मेंटली जो पीस है ना, मेंटल पीस, वो मैं फर्स्ट डे से जब से मैं लाइव कर रही हूँ मैं तब से बोल रही हूँ, हमारे इंडिया में इवन हरियाणा में मेंटल पीस लोगों के पास है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 8 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति का मेंटल पीस लेवल, जो अगर हमारी साइंस ने जो उसके अकॉर्डिंग अगर एक व्यक्ति का ही मेंटल पीस जो है लेवल जो है वो स्टेबल है, सही है, 8 लोगों में से एक का, तो कहाँ है हमारी शांति, हमारी शांति, हमारी जो ऑरा है वो सब कहाँ घूमे, हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग रहे हैं। जिंदगी जीना और उस जिंदगी में जो महत्व है हमारी जिंदगी का, उसको तो भूल ही बैठे, भूल गए हैं उसको, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को छोड़ते हुए, साइड में रखते हुए, अवॉइड बाय करते हुए एक परमार्थ के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करें। हमारी लाइफ का यही ध्येय है, हमारी लाइफ, हम लाइफ में आए ही इसलिए है, मनुष्य जीवन वैसे ही नहीं, हमें पता है, हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, कल्पना मुझाल जी वेलकम जी, एंड बहुत से एनिमल्स की स्पीसीज हैं, बहुत से बर्ड्स की है, तो क्या है ये सब, ये सब सृष्टि की रचना ही है। बट हम ह्यूमन बींग्स हैं,
हमें ये जो इतनी अच्छी जिंदगी सोचने की शक्ति, सोचने समझने की, एक्ट करने की, रिएक्ट करने की, खुद से अपने काम करने की जो फ्रीडम है, जो हमारे पास पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स, तो ये केवल ह्यूमन बींग्स को ही मिली हुई है। जो ना इन सभी स्पिरिचुअल पावर्स का अच्छे से यूज करते हुए कुछ ऐसे काम करते चले जाएं कि हमारे जाने के बाद हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, या हमारे आसपास के लोग जो कभी भी हमारे कॉन्टेक्ट में रहे हैं, तो उन लोगों को फील हो कि वास्तव में वो इंसान ऐसा था और उसकी कमी को वो महसूस करें। वो जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं,